हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशिता दी ब्यूटी टिप्स। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है, इसे एंड तक देखिए। आज मैं इस वीडियो में फ्रेंड आपको शहनाज हुसैन की एक ऐसी हेयर डाई के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक नेचुरल होममेड हेयर डाई है, जो आपके सफेद बालों को नेचुरल रूप से ब्लैक करेगी और आपकी ग्रेइंग की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करेगी। तो फ्रेंड, इस डाई को बनाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये होममेड हेयर डाई आपको कैसी लगी है। चलिए बनाते हैं इस होममेड हेयर डाई को। इस डाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 2 कप पानी लेना है। अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल रही हूँ। हमें इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल होने लगे तब हमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करना है। अब मैं यहाँ कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ और हमें 10 मिनट तक अच्छे से इसे बॉईल होने देना है। उसके बाद में स्ट्रेन करना है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इस डाई को। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवला पाउडर लेना है। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर ले रही हूँ। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे पूरे बालों में अप्लाई करना है, जड़ से बालों की टिप तक। अब मैं यहाँ भृंगराज पाउडर ले रही हूँ, वो हमें 2 टेबल स्पून लेना है। वो भी समान मात्रा में हमें दोनों चीज़ों को लेना है। ये हमारे बालों को ब्लैक बनाने में बहुत हेल्पफुल है। आंवला और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है सफ़ेद बालों को काला करने के लिए। अब इसके बाद हमने जहाँ जो चाय की पत्ती का और कॉफ़ी का जो पानी तैयार किया है, अच्छी तरह से बॉईल करके उसमें हमें इसे मिक्स करना है और इसका पेस्ट बनाना है। जितना आपको ज़रूरत है उतना पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। ये डाई आपके बालों को जड़ से काला तो करेगी, आपके बालों को घना, लंबा और खूबसूरत भी बनाएगी। ये नेचुरल डाई है, क्योंकि ये बाज़ार की डाई, जो मार्केट की डाई हम यूज़ करते हैं, वो आपके बालों को बहुत हार्म पहुंचाती है और आपके बालों को बहुत तेज़ी से सफ़ेद करती है। अगर आप उसको एक बार लगाना शुरू कर दें तो आपके बाल बहुत धुमी तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं और आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। ये डाई प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को स्टॉप करेगी और आपके सफ़ेद हुए बालों को तेज़ी से काला करेगी। तो आप फ्रेंड इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये डाई बनकर तैयार हो गई है। आप इस डाई को वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये डाई बनकर हमारी तैयार हो गई है। इस डाई को हमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें अपने बालों को वॉश कर लेना है अच्छे से। वॉश करने के बाद में हमारे बालों में थोड़ा सा भी तेल नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें अपने बालों के ऊपर इस डाई को अच्छी तरह से जड़ से लेकर नीचे टिप तक पूरे बालों में अच्छी तरह से लग जाए, कवर हो जाए हमारे बाल। इस तरीके से हमें अपने बालों में इसे यूज़ करना है और इसे 1 घंटे तक हमें अपने बालों में लगाकर रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। एक घंटे बालों में रखने के बाद में हमें सादा पानी से इसे वॉश कर देना है अपने बालों को। बालों में शैम्पू को नहीं करना है। उसके बाद में हम रात में बालों में ऑयल लगाकर अगले दिन बालों को शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके 2 से 3 एप्लीकेशन में ही आपके बालों में कलर आने लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के बालों में धीरे कलर आता है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं, पर इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ज़रूर। और याद रखिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। जो आपकी मार्केट वाली डाई होती है वो आपके बालों को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाती है। तो आप इस होममेड डाई का यूज़ कीजिए और अपने बालों को, सफ़ेद हुए बालों को आप काला कर सकते हैं। वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग डाई का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन उनको थोड़ा देर से रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन उनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बाजार की डाई बहुत हार्मफुल है, सो प्लीज़ इसे इस्तेमाल मत कीजिए।
जब घर में इतनी अच्छी डाई बन सकती है तो आप इसी को यूज़ कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड आपसे अपने न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम।